ब्रोस आपको याद होगा मैंने चैनल पे मोटो G54 को कवर किया था, इतना तक कि 2 महीने यूज़ करके लॉन्ग टर्म फुल रिव्यू वीडियो भी डाला था। स्टार्टिंग में कुछ कमेंट्स आता था कैमरा लेंस इशू को लेके कि लेंस का कोटिंग उतर रहा है, फॉगी पिक्चर्स आ रहा है, मॉइस्चर देखने को मिल रहा है। मेरे को लगता था कि देखो यार फोन कंपनी लाखों यूनिट सेल करती है, 1% लोगों में इशू आ रहा है, सर्विस सेंटर वाले संभाल लेंगे। बट देन इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता गया, इतना तक कि आप अगर मेरे तीनों वीडियोस पे फिल्टर लगा के कमेंट्स पे सर्च करोगे कैमरा लेंस या फिर सर्विस सेंटर, तो इतने सारे कमेंट्स आपको देखने को मिलेगा, सब ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट द सेम इशू। सिर्फ इतना नहीं, लोग मेरे ट्विटर में टैग करके मोटोरोला का सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं कि 21 दिन लगा रहे हैं कैमरा का लेंस रिपेयर करने के लिए। फोन नहीं रिप्लेस कर रहे, कैमरा का लेंस रिपेयर करने के लिए। एक बात बता दूं, ओपन हार्ट सर्जरी के बाद 7 to 10 days में हॉस्पिटल से छोड़ देते कि घर चले जाओ, बाकी चीजें करो, काम करो। कैमरा का लेंस रिप्लेस करने के लिए 21 दिन। अगर इतना होता तो मैं ये वीडियो ना बनाता, बट इन मोस्ट केसेस जिस तरीके से मोटोरोला सर्विस डिनाई कर रही है, कभी कह रहे हैं कि आपका फोन रूटेड है, कभी कह रहे हैं कि ये फोन का वारंटी नहीं है। भाई 2 महीने पहले आपका फोन लॉन्च हुआ है, 2 महीने पहले, वारंटी नहीं है। एनीवे स्टार्टिंग से समझाता हूँ, मोटो G54 एंड मोटो G84 के यूजर्स नोटिस कर रहे हैं कि कैमरा लेंस के ऊपर कोटिंग होता रहा है। काफ़ी लोगों को लगा कि मॉइस्चर चला गया, मेरा एनालिसिस यह है कि नहीं, लेंस के ऊपर का कोटिंग उतर रहा है। कैमरा के लेंस में ना कोटिंग यूज किया जाता है ताकि सन रेज वगैरह अफेक्ट ना करे आपके फोटोज को। अब वो लेंस कोटिंग इस फोन्स में उतर रहा है जिसके वजह से फोटोज कंप्लीटली ब्लरी एंड ऐसा लग रहा है कि अंदर मॉइस्चर है। मोटो G54 एंड मोटो G84 को कंपनी ऐसा करके प्रमोट करती है कि एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स है, दोनों में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन देखने को मिलता है। एंड इस इश्यू के वजह से ना आप फोटोज भी नहीं खींच पा रहे हो, कंपनी सर्विस भी डिनाई कर रही है। एक ऐसा फोन जो आप 2 महीने पहले लिए हो 15,000 रुपये खर्च करके, जिन्होंने मोटो G84 लिया है ऑलमोस्ट 19,000 रुपये खर्च करने के बाद कंपनी ना पार्ट्स आपको प्रोवाइड कर रही है, अगर प्रोवाइड कर भी रही है कुछ कुछ लोकेशंस में तो 21 दिन लग रहा है, 21 से लेके 22 दिन, कभी 25 दिन। कभी कभी क्या हुआ, एक लोग के साथ उन्होंने 15 दिन ले लिया फ़ोन को, अपने पास रख लिया, कहने कि हम देखेंगे एनालाइज करेंगे, सेम फोन वापस दे दिया कि भाई कोई इशू नहीं है इसमें, कोई इशू नहीं है इसमें। सो बेसिकली ये एक अवेयरनेस वीडियो, अगर आपके पास मोटो G54 G84 है और आप नोटिस कर रहे हो कि लेंस कोटिंग उतर रहा है, आपकी गलती नहीं है, आप अकेले नहीं हो। मेरे कमेंट सेक्शन पढ़ लेना, इतने सारे कमेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा, एवरीवन टॉकिंग अबाउट द सेम इश्यूज। एंड इतना तक कि आप ट्विटर में सर्च टर्म मोटो G54 कैमरा लेंस इशू लिखोगे, इतने सारे लोग आपको दिखेंगे जो मोटोरोला को टैप करके पूछ रहे हैं कि भाई आप सर्विस डिनाई क्यों कर रहे हो, मेरे फोन रूटेड नहीं है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो कि मेरा फोन रूटेड है, मैंने फोन को पानी में गिराया नहीं था, आप झूठ क्यों बोल रहे हो कि फोन पानी में गिरा है। इन सबको देख के ना बुरा लगता है, क्योंकि अगर आप देखो एक स्टूडेंट है 21-22 साल का, वो 15,000 रुपये या 20,000 रुपये सेव करके एक फ़ोन लेता है, मेरे वीडियो देख के फ़ोन लेता है, क्योंकि मैंने पॉजिटिव्स बताया, नेगेटिव्स भी बताया कि उसका सेल्फी कैमरा, बिल्ड क्वालिटी, ये सब। बट एट द सेम टाइम ओवरऑल कोई डिनाई नहीं कर सकता कि बढ़िया फ़ोन नहीं है, अभी सेल में 14,000 रुपीज़ का मिल रहा है और आज भी मैं उस फ़ोन को रिकमेंड करूँगा। बट एट द सेम टाइम जब मैं देख रहा हूँ कि ऐसे इशूज़ हैं, स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, एक स्टूडेंट जो 15,000 रुपये का ने फ़ोन लिया और कंपनी कहती है इजीली कि आप हमें दे दो, 2 हफ्ते लगेगा हमें एनालाइज करने में, 2 हफ्ते लगेगा हमें एनालाइज करने में, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कंपनी रिपेयर करेगी कि नहीं, एनालाइज करने के लिए 2 हफ्ते, फिर रिपेयर के लिए 21 दिन 22 दिन 25 दिन, तब तक ये बंदा करेगा क्या, इसके पास फ़ोन एक फ़ोन है और आजकल फ़ोन के बिना आप कॉलेज ऑफिस वगैरह अटेंड नहीं कर सकते, हर चीज़ आपके फ़ोन में। सिर्फ इंडिया में ऐसा होता है, अब्रॉड में जब आप फोन को रिप्लेसमेंट या रिपेयर के लिए देते हो ना तो लोनर यूनिट प्रोवाइड किया जाता है कंपनी के द्वारा, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा जिस तरीके से ये कंपनी हमें ट्रीट करती है। और दूसरी बात मेन, इनके सर्विस सेंटर ना कभी अगर आपके सिटी में नहीं है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा मत ही खरीदो यार, क्योंकि बहुत लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं 100 किलोमीटर दूर है सर्विस सेंटर, 100 किलोमीटर आपको फोन जाके देना है एनालाइज करने के लिए 14 डेज, उसके बाद वो बताएंगे कि हम रिपेयर करेंगे कि नहीं, और अगर रिपेयर कर रहे हैं तो कभी कभी ये झूठ बोल रहे हैं कि भाई आपका फ़ोन रूटेड है, आपका फ़ोन पानी में गिर चुका है, हम रिपेयर नहीं करेंगे, 2,000-3,000 रुपये लेंस ठीक करने के लिए। एनीवेज यार मेरे को लगा कि ये आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि सेल में ना अभी 14,000 रुपीज़ का मिल रहा है, इट इज़ वन ऑफ दोज अमेजिंग फोन्स जो आज भी मैं रिकमेंड करूँगा। बट एट द सेम टाइम कंपनी की ऐसे हरकतें इज़ नॉट प्रॉमिसिंग, एंड अगर आपके घर के पास सर्विस सेंटर नहीं है देन 2-3 बार सोचो मोटो G54 या G84 खरीदने से पहले। इस वीडियो को लेते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।